जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी के लिए जोड़ तोड़ का खेल शुरू हो गया है। सियासी खींचतान और खेमाबंदी के बीच सपा सांसद डॉक्टर एस टी हसन और जिला पंचायत सदस्य रिजवान के बीच बातचीत का ऑडियो वायरल हो रहा है। ऑडियो में डॉक्टर एस टी हसन रिजवान को समझाते हैं और परोक्ष रूप से धमकाते नजर आ रहे हैं। फिलहाल सोशल मीडिया पर इस ऑडियो की खूब चर्चा हो रही है। 10 मिनट 34 सेकंड के इस ऑडियो में सांसद डॉक्टर एस टी हसन कुछ इस अंदाज में बातचीत की शुरुआत करते हैं। वहीं परोक्ष रूप से धमकाते हुए कहा कि तुम समाजवादी सरकार आने के बाद इतनी मुसीबत में आ जाओगे कि तुम्हारे सारे लाइसेंस रद्द होंगे। ये तो तुम 10 महीने की सौदेबाजी कर रहे हो, ये कितने दिन खा लोगे? 20 दिला दूंगा, समाजवादी में आ जाओ। ये आवाज है मुरादाबाद के सांसद डॉक्टर एस टी हसन की, जो एक संवैधानिक पद पर भी हैं और जनता ने इन पर अपना भरोसा भी जताया था। जनता ने इन्हें लोकसभा में बैठने की जिम्मेदारी सौंपी, लेकिन आज देखिए डॉक्टर एस टी हसन, जिन्हें जनता की आवाज को बुलंद करने का काम दिया गया, वो आज जिला पंचायत सदस्यों की खरीद फरोख में लगे हैं। समाजवादी पार्टी के सांसद डॉक्टर एस टी हसन जब ऐसी भाषा का इस्तेमाल करेंगे तो फिर आम जनता का क्या होगा? उन्होंने अपनी इस ऑडियो में वो बार बार कहते हुए नजर आ रहे हैं कि वोट नहीं दिया तो सरकार आने दो, उसका बुरा हश्र किया जाएगा। 20 लाख में जिला पंचायत खरीदने की तैयारी चल रही है, तो वहीं भाजपा पर भी 50 लाख रुपए का जिला पंचायत सदस्य को खरीदने की बात कही जा रही है। अब ऐसे में जिन्हें क्राइम को रोकने के लिए चुना गया है, वही जब इस दलदल में उतर जाए तो फिर आम जनता कहां सुरक्षित रहेगी, ये साफ तौर पर देखा जा सकता है। अरे आज रात तक तुम क्या मुझे बेवकूफ समझ रहे हो या तुम बहुत बड़े चालाक हो गए हो? क्यों, आपको तो कही थी, पहले तो फोटो आ गए मेरे पास कि तुम तहमत पहने हो, किसी रिसोर्ट में खाना खा रहे हो। कौन से फोटो? तुम्हारे कौन है? तुम अगर बिक गए हो तो मुझे बताया क्यों नहीं कि साहब मैं भी बिक गया? बिकने को ना था, बात हो गई थी। अब बात होने के बाद जब मेंबर देख के आया था, देखो मेंबर कितने हैं इनके पास, वो वाली बात सही निकली जो मैंने आपको बताया था कि इतने मेंबर इनके पास हो गए हैं, और उसी चीज को देखने के लिए गया था कि बेवकूफ तो मना रहे। उसी टाइम ये कम से कम ये 10-12 दिन पहले फुट हुए, और 10-12 दिन 8-9 दिन होंगे तो, और जो है उसी टाइम जब फिर उन्होंने वो खाना वाना भी खाया था हमने सबने, तो जब ही फोटो होंगे ये। तुम्हारा मुझे साफ साफ बताओ क्या इरादा है? तुमने मेरे तो मेरा नाम मिट्टी में मिला दिया ये कह के कि साहब डॉक्टर साहब ही करेंगे और मैं मिट्टी जैसा वो करेंगे। तुम तो ये कह दिए सुधरे ना मेरी नमानी, तो बताओ मैं क्या करूँ जब तुमने भी तो उसके साथ धोखा करा। तुम तो ये कह दिए, तुम कर रहे हो ना मेरे साथ। अब तुम ये भी तो कह दो डॉक्टर साहब इनसे कि सुधरे तुमने प्रत्याशी उस टाइम उतारा, तुम खुद मिलोगे ना होगा प्रत्याशी उस टाइम उतारा, जिस टाइम उनके पास 29 मेंबर हो गए। कुछ भी उतारा, नासिर कुरैशी का टिकट कट के मुझे मिला था, तो ये थोड़ी के समाजवादी के लोगों ने मुझे नहीं लड़ाया, तो तुमसे बड़ा है एहसान फरामोश कौन है? तुमने तो वो काम किया मेरे साथ जो मेरा दुश्मन भी नहीं करता। ये तुम्हें इस तरीके से बोल रहे हैं कि ताकि आपको गुस्सा आवे, ये उल्टे सीधे काम थे। मैं तो पार्टी की बात कर रहा हूँ, पार्टी क्या कह रही थी? अगर पार्टी ने किसी को प्रत्याशी बनाया तो किस क्या जिम्मेदारी थी तुम्हारी? तुम पार्टी के वोटों से जीते हो या बीजेपी के वोटों से जीते हो? मुसलमान ने तुम्हें किस लिए दिया वोट कि तुम समाजवादी के हो? इसलिए नहीं दिया मुसलमान ने कि तुम इनसे ये तो पूछते थे तुम्हें त्यागों का पता नहीं है? तुम इनसे ये तो पूछते थे, ये तो तुम्हें कह रहे हैं कि हेलो तुम, ये तो कोरोना हो गया था, तुम में से कोई आदमी गया उसे लड़ाने के लिए, आज तुम समाजवादी का शो कर रहे हो। लड़ाना लड़ूंगा की बात छोड़ो, पब्लिक ने किसको वोट दिया? रिजवान को नहीं दिया पब्लिक ने वोट, पब्लिक ने दिया समाजवादी को, साइकिल को। 10% रिजवान का था तो 90% समाजवादी का था, ये तुम भूल गए?
तो एक बात होती है डॉक्टर साहब, जो जुबेर चुनाव लड़ लिया था, जुबेर जब जहां जाकर जयवीर यादव से बात कराया करा, तो जयवीर यादव ये क्या करा कि हाँ चलो सही आदमी दे दी, दे दी वोट किसी के बाद भी किसे जब जुबेर कैंसिल कर दिया बताइए क्या कर लेगा कोई आदमी होगा, और समाजवादी सरकार आएगी तो भी रद्द रहेगा, फिर थोड़ी मिल जाएगा तुम्हें, तुम तो इतनी बड़ी मुसीबत में आ जाओगे समाजवादी सरकार आने के बाद कि तुम्हारे तो सारे लाइसेंस रद्द होंगे, ये तो तुम 10 महीने के लिए सौदेबाजी तुमने करी है, ये कितने दिन खा लोगे? तुम्हें समाजवादी को अभी वोट नहीं देना जी, समाजवादी वाले तुम्हें पैसा भी दे रहे हैं, मिठाई का भी दे रहे हैं, सब काम कर रहे हैं, फिर भी तुम समाजवादी को वोट नहीं दे रहे। कहाँ दे रहे हैं डॉक्टर साहब समाजवादी के? तुम्हारे घर लेके गए थे, तुमने कह दिया कि डॉक्टर साहब को दे, डॉक्टर साहब 10 दे रहे हैं, डॉक्टर साहब 10 दे रहे हैं, अब आप बता रहे 15 दे रहे हैं, 20 दे रहे हैं, कितने लेके गए थे मुझे बताया फहीम ने, और ना गलत बता रहे, अब मुझे भी तुमने गंदा करा, तुम पहले चुके थे ना, पहले तो बिगाड़ डॉक्टर साहब मैं तो बाद में जब इन्होंने जब हालात देखे मेरे, जब उनके जब मैं देख का आया हूँ वहाँ जाके, बोले कि यकीन ना हो तो देख लो जाके, जब मैं रिसोर्ट में देख का आया हूँ तो 34 मेंबर है वहाँ, वो तुम्हारी ऐसी सियासत के ऊपर मेंबर पे थे, अब तुम्हें 2-4 लाख के नहीं, ये तुम्हें 20,000 नहीं देंगे किसी भी हाल में, मैं अभी लिख के दे दूँ जो तुम जिस लाल बाग में हो कि तुम्हें 35 मिलेंगे और 50 मिलेंगे, 20 से ज्यादा मिल जाए तो मेरा नाम बदल देना, मुझे तो इनके हराई में सब मालूम है, समाजवादी वाले दे रहे हैं तो तुम्हें बुरे लग रहे हैं, वो जो पार्टी तुम्हारी मस्जिदों तक को नहीं छोड़ रही, शहीद कर रही है इस वक्त, जो मुसलमानों के डंडा करे हुए है, मुसलमानों की पहचान खत्म कर रही है, क्या 5 वक्त की नमाज पढ़ने वाले अगर उसको वोट देंगे तो बेकार है इबादत और नमाज, डॉक्टर साहब बात ये मेरे वोट से अगर सब काम हो रहे हो तो चलो मैं आ रही हूँ, तुमसे हिसाब लेंगे तुम्हारे, और जाल प्रमुख साहब जो मेन आदमी रहे हैं, प्रमुख भी रहे हैं, सलीम दो बार बन गए, मैं दूसरे को नहीं जानता, डॉक्टर नजाकत जो तुम्हारे चेले भी रहे हैं, डॉक्टर नजाकत समाजवादी से नहीं जीता, वो समाजवादी नहीं जीता ना, वो मेरा चेला, तुम्हारे लिए तो मैंने तुम्हें तो नेता मैंने बनाया, ये तुम तो अपने दिल से पूछ लो, तुमने तो मुझे धोखा दिया है, अब मुझसे झूठ बोला तुमने, ना झूठ ना बोला डॉक्टर साहब मैंने, कि मैं यहाँ हूँ मैं वहाँ हूँ, मैं झूठ नहीं बोला, जो आपके पास मेरे फोटो आए वो उस दिन के आए जिस दिन मैं देखने गया हूँ, अगर अभी भी आपकी इज्जत बचानी है इनसे पैसा ले ले और समाजवादी में आ जाए, कब आ रहे हैं वापस, हाँ जी रिजवान भी लेके आ रहे हैं अपनों को, आज ये कसम खा के आए अखिलेश यादव जी के पास जाके, संजीव भी और मुकेश भी, कि हम लेके भी आएंगे और प्रस्तावक भी हम बनेंगे, एक भी वोट समाजवादी का नहीं जाएगा, अब मुझे खतरा तो मेरे वोट का है, तुम इतने हल्के निकल गए, मुझे इतनी हैरत है, डॉक्टर साहब कई बातें ऐसी थी कि इनकी बातें छोड़ो, मेरी इतनी बेइज्जती भी करी है, टिकट मेरा जो थी काटने के बाद तो मेरी छोड़ो यार, उसे छोड़ो उसे छोड़ो, जब मैं चुनाव लड़ रहा था तब इन्होंने मेरा टिकट काटा, फिर उसके बाद एक भी आदमी मेरे चुनाव में बुलवाने नहीं गया, वो जो कह रहे मेरे टिकट एक काटने के बाद जहाँ जहाँ जुबेर ने इसकी जयवीर यादव से बात कराई है, जयवीर यादव ने वहीं उससे कही है, टिकट तुम्हें किसने दिलवाया, टिकट आपने दिलवाया, तुमने मेरी बेइज्जती फिर क्यों करी, उस टिकट का डॉक्टर साहब फायदा क्या हुआ है बताओ तुम्हें, जब क्या उस टिकट का फायदा क्या हुआ, जब कोई लड़ाने नहीं आया तो समाजवादी का समाजवादी का टैग क्या कम बढ़ाएगा कि समाजवादी का कैंडिडेट खड़ा है, समाजवादी का तो वो भी था जुबेर भी तो पोस्टर लगाएगा, को कोई नहीं मानने आता समाजवादी का, सब जगह डिक्लेयर हो गया कि रिजवान समाजवादी का कैंडिडेट है, उसके जरा वोट देखे कितने काटे उन्होंने, वो तो हिंदू तीन जबरदस्त लगे तीनों हिंदू तो जीत गए, उसने कितने काटी है, 600-700 वोट ही तो काटे, और कितने 600-700 थोड़ी काटे है, 1300 कुछ वोट काटे, चलो मैं कहूँ 1300 काट दिए उसने अपने बल पे, वो तो अगर तीन आदमी हिंदू अगर न लड़े होते, तीनों आदमी जमकर लड़े होते तो मैं कभी भी न जीतता, तुम्हारा कहने का मतलब ये समाजवादी की वजह से तुम्हें कोई फायदा नहीं हुआ है ना, तुम्हारा कहने का मतलब ये है डॉक्टर एलटी अगन के नाम से तुम्हें कोई फायदा नहीं हुआ, तुम्हारा कहने का मतलब ये, तुम जो कुछ हो खुद ही हो, इतने बड़े नहीं तो हो गए तुम,
हैं? तुम्हें शर्म आनी चाहिए रिजवान, जिसको तुमने अपने बाप की तरह समझा था तुमने उसी को धोखा दिया। डॉक्टर साहब मैंने धोखा नहीं दिया, तुम्हें गलत तरीके से पढ़ा रहे हैं तुम्हें सब बातें। अरे क्या मैं इनसे कह दो, तुम इनसे कह दो तुम अपने आदमी को ला दो, रिजवान रिजवान की जिम्मेदारी मेरी है, तुम अपने आदमी को ला दो, तुम इनसे तो कहो, तुम अपने आदमी को ला दो, रिजवान को मिला दूं। जिम्मेदारी नहीं ले सकता, मैंने ली थी जिम्मेदारी की, रिजवान जो मैं कहूंगा वो करेगा, अब मैं जिम्मेदारी नहीं ले सकता दोबारा, मैं अपनी बेइज्जती नहीं कराऊंगा। तुम्हें तुम्हारे तुम्हें आगे लाना चाहो, तुम होगा पैसे के पीछे, मैं कैसे जिम्मेदारी ले लूं तुम्हारी? और अभी भी मैं कह रहा हूँ तुम्हें बीच में दिलवा रहे हूँ, अगर तुम्हारा मूड हो तो आ जाओ और अपनी साख बचा लो, पब्लिक में भी, मेरी नजर में भी और समाजवादी पार्टी की नजर में। चलो मैं मजबूर।